हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो भी फॉर्म भरे थे, तो देखिए एससी एसटी का पैसा आना शुरू हो गया था, जिनका पेमेंट पेंडिंग था। तो अब देखिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा यानी बीसी और ईबीसी के लिए भी 1101.78 करोड़ रुपया क्या किया गया है, स्वीकृत किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो अब सबका जिनका भी पेमेंट क्या होगा कि पेंडिंग होगा, अब सबका पैसा मिल जाएगा। देखिए स्वीकृत राशि नहीं हुआ था, तो जिनका पेमेंट 3 महीना 4 महीना 55 महीना से लटका हुआ था, समझे सबका पैसा अब क्या होगा कि अब सबका पैसा मिलने लगेगा। तो जो भी लोग का पेमेंट पेंडिंग आ रहा होगा, समझे, या रेडी फॉर पेमेंट हो, या सेंड टू डिपार्टमेंट हो, समझे, या एप्लीकेशन सेंड टू डिपार्टमेंट हो, अब क्योंकि पैसा नहीं था तो उसी को बार बार घुमा रहा था, लेकिन अब स्वीकृत हो गया है, तब आपका क्या होगा कि पेमेंट आपके अकाउंट में अब जल्द ट्रांसफ़र हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि आपका 1101.78 करोड़ स्वीकृत हुआ। लिखा है कि पिछड़ा वर्ग एवं मध्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के लिए शिक्षा विभाग को कुल 1101.78 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। साथ ही पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए कुल 8.41 करोड़ आवंटित हुए हैं। विभाग के मंत्री हरीश सहनी द्वारा निर्देश दिया गया है कि स्वीकृत राशि को जल्द से जल्द डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बीच वितरित किया जाए। वित्तीय वर्ष 24-25 में वे सीएम पिछड़ा वर्ग अंतम पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 1 करोड़ की मंजूरी दी गई। यानी कहने का मतलब हुआ, अब जिनका भी पेमेंट पेंडिंग होगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, अब सबका पैसा चल जाएगा, समझे। अब ज़्यादा दिन घबरा नहीं है, क्योंकि एससी एसटी का पैसा सबके अकाउंट में जा रहा है। तो अब जो बीसी और ईबीसी यानी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का भी पेमेंट अब क्लियर हो जाएगा। तो जिनका भी जैसे होम डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग होगा या इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग होगा, तो उसे जल्दी होते हुए आपका पेमेंट अब एक ही स्टेप में आने लगे, क्योंकि पैसा ही स्वीकृत नहीं था, तब पैसा स्वीकृत कर दिया गया है, समझे। अब जल्द से जल्द आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी लोग का पेंडिंग है, समझे, उनको अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, अब आपके अकाउंट में जल्द से जल्द पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो लोग बीसी और ईबीसी कैटेगरी से जो लोग फॉर्म भरे थे, क्योंकि आपका 1101.78 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया है विभाग की तरफ से। अब जल्द से जल्द आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होने लगेगा, तो अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अब आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि ये आपके अब जल्द से जल्द जैसे अपडेट होगा, पेमेंट आना शुरू होगा, फिर हम आपको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो जो भी लोग का फॉर्म डाले हुए थे, वो सब 23-24 और 22-23 सेशन एकेडमिक ईयर और 23-24 के लिए उनका पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैसा अब स्वीकृत कर दिया गया है। अब पैसा स्वीकृत हो गया तो आपके अकाउंट में अब पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, जैसे इस पर अपडेट होगा पैसा किसी के अकाउंट में आएगा, वैसे ही हम आपको बताएंगे, खुद भी अपना चेक कर सकते हैं। थैंक यू।